एवरीवन, मेरा नाम है भव्य और आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं ASUS ZenFone Lite L1 की। तो चलिए देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो अगर मैं ऊपर से बॉक्स खोलता हूँ, यहाँ लिखा है वी लव फोटोज। तो इसके हम नीचे जाते हैं तो यहाँ आपको दिखता है एक स्मार्टफोन जो है ASUS ZenFone Lite L1। तो हम इसे बॉक्स के बाहर निकालते हैं तो आप देख सकते हैं। तो अब हम और बॉक्स के अंदर जाते हैं, इसमें आपको एक चार्जर मिलेगा और एक USB केबल मिलेगी, नॉर्मल USB केबल। तो इसकी हम रेटिंग देख लेते हैं, इसकी आप रेटिंग देख सकते हैं, ठीक है। तो बस यही था बॉक्स कंटेंट्स। स्मार्टफोन दिखाऊंगा, तो स्मार्टफोन में बस मैं इसे बाहर निकालूंगा ये। तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है स्मार्टफोन, पीछे से आप देख सकते हैं 5MP फ्रंट कैमरा है इसका और 13MP बैक कैमरा है इसका। पीछे आप देख सकते हैं ASUS की ब्रांडिंग है, ऊपर हेडफोन जैक है, साइड में पावर रॉकर्स है और पावर ऑन एंड ऑफ बटन है। तो नीचे आप देख सकते हैं USB, नॉर्मल USB पोर्ट है और एक ये स्पीकर का होएगा मेरे हिसाब से और एक ये माइक्रोफोन है। तो ये यहाँ पे ट्रिपल स्लॉट है यहाँ पे, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से। तो हम पावर ऑन करते हैं इसकी, देखते हैं प्लीज़ चार्ज हो इसमें, बस चार्ज तो है इसमें। तो मैं बस सेट करूंगा ये फ़ोन, फिर मैं आपको दिखाता हूँ आगे। तो आप देख सकते हैं पावर ऑन हो चुकी है स्मार्टफोन की, ठीक है। तो बस कोई भी प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स, एक फेसबुक मेरे को दिखा और एक मैसेंजर है इसमें पहले से, एक इंस्टाग्राम भी है पहले से, पर ये नॉर्मल ऐप्स है जो आप खुद ही इंस्टॉल करेंगे मेरे हिसाब से। तो ये इसमें ज़्यादा था कि इसमें आपको एक भी प्री इंस्टॉल्ड ऐप नहीं मिलता है, बस आपको काम के ऐप्स मिलते हैं जो आप खुद ही इंस्टॉल करेंगे। तो बस अब अबाउट द फोन में जाके देखते हैं, इसलिए सेटिंग्स में जाते हैं इसकी, इसमें फिर हम जाएंगे सिस्टम में, सिस्टम में जाने के बाद हम जाएंगे अबाउट द फोन में। अबाउट द फोन में आप देख सकते हैं इसका एंड्रॉयड वर्जन है 8.0.0। तो बस इसमें अपडेट तो शायद ही आए मेरे हिसाब से, तो आप वेट कर सकते हैं, पता नहीं अपडेट आएगा या नहीं। इसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 430 ऑक्टाकोर प्रोसेसर, इसमें आपको मिलती है 2GB प्लस 16GB रैम ऑप्शंस। इसमें आप ऊपर नोटिफिकेशन बार करेंगे तो बहुत सारे आपको ऑप्शंस दिखते हैं इसमें। इसमें ब्राइटनेस, ऑटो ब्राइटनेस सेंसर भी मिला जो सैमसंग के 15,000 वाले फ़ोन में भी आपको नहीं मिलता है बहुत बार। तो ये रहा इसका डायलर, नॉर्मल ये डायलर जैसे होता है। इसमें आपको मिलती है ZenUI, जो ZenUI मेरे हिसाब से एक अच्छी OS है, तो आप यूज़ कर सकते हैं इसको। तो आप इसका डिज़ाइन थोड़ा सा एक बार फिर से देख लेते हैं, मेरे को इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा है। इसकी पीछे प्लास्टिक बॉडी है, पीछे ASUS की ब्रांडिंग भी लिखी हुई है। साउंड टेस्ट करेंगे तो मैं आप YouTube पे जाऊंगा, इसमें कोई भी NCS का साउंड मैं चला दूंगा, तो आप देख सकते हैं ये फुल वॉइस में है। थोड़ा सा साउंड क्वालिटी मेरे को थोड़ी सी कम लग रही है, थोड़ी सी कम है इसकी। अगर मैं थोड़ा लो करूँगा तो शायद सुनाई ना दे आपको, देख सकते हैं आप। अगर मैं फुल कर रहा हूँ तो बहुत थोड़ी सी लो है, थोड़े से एवरेज स्पीकर्स है इसके। तो बस यही मेरे को दिखाना था आपको स्पीकर्स में। अब हम इसमें फेस अनलॉक टेस्ट करेंगे। तो मैं फेस अनलॉक मैंने पहले से ही लगाया हुआ है, तो मैं टेस्ट करूँगा फेस अनलॉक। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत देर लगी इसमें, कम से कम 2 सेकेंड लगे। एक बार हम फिर से ट्राई करेंगे। मैंने लॉक करा फ़ोन और अब मैंने देख सकते हैं आप, इसे कम से कम 2 सेकेंड लगे हैं फेस अनलॉक ओपन करने में। तो बस यही चीज़ें थी मेरे को आपको दिखाने के लिए। आप देख सकते हैं UI अभी तक तो स्मूथ लग रही है, ठीक है। कैमरा एक बार कैमरा ओपन करके देख लेते हैं, इसका कैमरा आप देख सकते हैं, इसका कैमरा अगर मैं बैक कैमरा कर दूँ तो बस यही UI है इसका। ऊपर आपको थोड़े बहुत मोड्स मिलते हैं जो अभी अनबॉक्सिंग में नहीं दिखा सकता। बस यही चीज़ें थी मेरे को आपको दिखाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।